स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे UPPCS ने हाल ही में एक से दो दिन के अंदर दो से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट RO एग्जाम की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लगभग 99% पॉसिबिलिटी है किसी डेट को होने जा रही है। ऑलरेडी मैं अपने एक दो वीडियो में एक्सपेक्टेड किया भी था इस चीज को। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि ट्यूबवेल ऑपरेटर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, ये रिजल्ट कब तक पॉसिबली जारी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स अभ्यर्थी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को नहीं सब्सक्राइब, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी अपडेट्स होती है उससे रिलेटेड पूरी इंस्टेंट अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्रैश कोर्स लगातार प्रोवाइड करता हूँ। फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर, हैंड रिटेन नोट्स और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले, तो वो सब सारी चीज़ें पूछ करते हैं। तो ढेर सारे अभ्यर्थी उसको ज्वाइन कर चुके हैं, लगातार लाभ ले रहे हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड बारी बारी से उन सभी अपडेट्स को मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू देखता हूँ। फ्रेंड जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने विधान भवन रक्षक रिजल्ट को लेके आपको मतलब बताया है, उसमें थंबनेल में है। तो यहाँ से मेन मकसद मेरा ये था बताने का कि फ्रेंड जो इनकी कट ऑफ गई है साथ साथ में, इसको आप देख ले, क्योंकि जो अभी इंस्टेंट में कल ही न्यू वैकेंसी आई है उसको आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो ये पूरी डेट्स है, अपडेट्स है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा पूरा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो वैकेंसी का मैंने पोस्ट भी कर दिया है वहाँ पर। तो एट लास्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये है आपके विधान भवन रक्षक की पोस्ट के लिए, ठीक है, जो UR कैटेगरी से हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, जनरल कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे देख लीजिए, आपके विधान भवन रक्षक को 44 पद, टोटल 44 पद थे, जिसमें जनरल कैटेगरी 24, अन्य पिछड़ा वर्ग 11 और अनुसूचित जाति के 9 पोस्ट थे, ठीक है। तो ये इनकी पोस्ट है, साथ ही साथ आपके दे रखिए ये है आपका वन रक्षक के लिए, ठीक है। ये पूरी है रिजल्ट अपडेट के साथ सारी चीज़ देख सकते हैं। मेन मकसद जो हमारा था कट ऑफ दिखाने की, तो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ पूरा। देखिए जनरल कैटेगरी वन रक्षक पद के लिए जो कट ऑफ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाने गई थी, ठीक है। तो अनारक्षित की 132 है, मतलब जनरल की कट ऑफ, और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा के जो अंक थे वो लगभग 120 है। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की अब जन्मतिथि 13/5/90, ठीक है। ये देने का कुछ खास मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि मेंशन किया जाता है कि इतने तक के बच्चों को लिया गया। अनुसूचित जाति क्या देख लीजिए, 90.5789, ये तो पूरा रेलवे बन गया है, काफ़ी डेसिमल के बाद भी काफ़ी वैल्यू लेके चल रहा है। अनुसूचित जाति के लिए 111 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है आपका 123। देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमेशा से हर इन वैकेंसी में मिल रहा है महिला को, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को, भूतपूर्व सैनिक को, तो महिला अभ्यर्थी को मूल श्रेणी के अंतर्गत चयनित किया गया। ये मैं वीडियो की स्टार्टिंग में जब इसका रिजल्ट आने वाला था तभी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था कि जो इनकी मूल श्रेणी होगी चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अंतर्गत ही आना है इनका। विधान भवन रक्षक पद का देख लीजिए कट ऑफ, ये मैक्सिमम गए है आपके, क्योंकि इसकी पोस्ट ही कम थी। तो 166 है जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 138 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 147 है, और महिला के लिए इसमें रिजर्वेशन कुछ मिला है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आपको 20% मिलता है, तो 130 है, भूतपूर्व सैनिक का ही है। तो ये तो पूरी अपडेट्स, आगे देख देते हैं हमारी न्यू वैकेंसी जो आई है उससे रिलेटेड। फ्रेंड्स ये आपकी 31 अक्टूबर को आ चुकी है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको पोस्ट किया है ऑलरेडी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सारे चीज़ को जो अभी व्यूवर्स अभी जुड़े नहीं है तो उनके लिए भी मैं इंस्टेंटली इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी न्यू वैकेंसी 600 पूरे 55 पदों के लिए आ चुकी है, यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये है आपकी 655 पदों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, इसमें जो है आपका शासन द्वारा अद्यतन 17/10/2019 को स्वीकृत परीक्षा योजना था, विज्ञापन के प्रस्ताव 09 के अनुसार चयन लिखित परीक्षा एवं अर्हकारी शारीरिक मतलब आपके जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होने वाली हैं, ठीक है। चिकित्सीय परीक्षा का तो मतलब मेडिकल वगैरह आपका सब कुछ फिट होना चाहिए, ऑलरेडी सब कुछ अपना तैयार करके ही रखें, और ठीक है। ये है आपकी डिटेल्स, अभी एग्जाम डेट कन्फर्म नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन सिलेबस के साथ पूरा देने का मतलब ये है कि ये भी एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है। थोड़ा सा इसमें तेजी देखी जा रही है UPPCS की वैकेंसी में, क्योंकि चुनाव भी सामने हैं। तो हिंदी परिज्ञान में लेखन योग्यता 80 क्वेश्चन होंगे, 80 अंक के, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। सामान्य जानकारी 60
और सामान्य बुद्धि परीक्षण था, ठीक है 200 अंक का और 200 क्वेश्चन रहेंगे, दो घंटा मतलब ढाई घंटे का रहे। माइनस मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/4 अब इसमें कर दिया गया है, ये पूरी डिटेल में सिलेबस है आप देख सकते हैं और ऑलरेडी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरी अपडेट्स को लेके। फ्रेंड्स जो आपकी तीसरी अपडेट्स है वो आपकी है मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन जो नक्शा विश है इनके 10 पदों पर साक्षात्कार और जो भी पोस्ट है इनकी जो साक्षात्कार होनी है वो किस डेट की होनी है, तो ये आपकी 11 तारीख को स्टार्टिंग मतलब होगी, एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, पोस्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे रखी गई, 133 पूरी पदों की संख्या है, तो ये पूरी डिटेल्स है। इसमें फी पे करके तब इनको जाना है क्योंकि वो जो निकल रहा है आपका पूरा फी पे करने के बाद में आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है, थीके? तो ये देख लीजिए, इनके साथ साथ में ये पूरी वो है। कुछ प्रस्तर 1 महीने में इसमें कुछ मतलब शायद अभ्यर्थियों के बारे में कराया गया था, पूरी स्थिति में क्यों ये इनका मतलब फेलियर कंडीशन दिखाया गया यहाँ पे, तो ये पूरी डिटेल्स में ये अपने नाम के सामने चेक कर सकते हैं। कई लोग उस टाइम ही मतलब काफ़ी परेशान थे कि इनका चयन क्यों नहीं फाइनली मतलब इस चीज़ के लिए किया गया, तो ये पूरी डिटेल्स में 4-5 ज़्यादा नहीं 7 अभ्यर्थियों के लिए निकाले गए। अब मेनली हम डिपेंड कर मतलब अपना डिस्कस कर लेते हैं हाईकोर्ट एग्जाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे इसमें आपके हाईकोर्ट के जो एग्ज़ाम के लिए है वह पूरे डिटेल्स में। देखिए फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के बारे में, ठीक है 24 अक्टूबर, लेकिन इस डेट को नहीं हो रही क्योंकि इस डेट को NDA 2 का एग्ज़ाम है। NDA 2 का एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए पूरे इलाहाबाद के जितने भी सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, ठीक है, थीके? तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस डेट को आपको डेफिनेटली नहीं होनी है। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट 24 अक्टूबर को बताई जा रही है और जितने भी मुझे मतलब डिटेल्स मिल सके जो भी कर्मचारी हैं या जितने भी वो हैं वहाँ पे कार्यरत हैं उनके थ्रू मुझे पता चला, क्योंकि ये वैकेंसी काफी तेजी से भरी जा रही है। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में पूरे हाईकोर्ट का जो पूरी PhD वीडियो बनाई है उसमें बता दिया है कि बहुत तेजी से पूरी वैकेंसी फिल की जाएगी, और इसलिए 24 अक्टूबर को इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, इसको आप ध्यान में रख के तैयारी करनी है। और फिर डेली बेसिस पे मतलब कुछ ना कुछ आपको हाईकोर्ट ARO UPPCS 2019 से रिलेटेड सारी चीजें पोस्ट की जा रही है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा इसको, और ये डेट अपने दिमाग में रख के तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, एकदम जान लगा दो क्योंकि बहुत ही पावरफुल जॉब है और बहुत ही कम समय में आपको ये 3 से 4 महीने पूरी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। टाइपिंग वगैरह को सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। लास्ट है ये है यहाँ पे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, पहले तो कुछ वैकेंसियों की अपडेट्स को लेके है, जैसे आपका इनका मुख्य अभियंता वालों का इंटरव्यू चालू होने वाले, ये सब सारी डिटेल्स में है। तो जो मेरी बात हुई, देखिए पहले तो आप खुद लगाते लगाते कॉल पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे, उनका कॉल ही नहीं लग रहा है, कॉल ही नहीं लग रहा है, बिजी लाइन वो मुझे लगता है वो सबके लिए कर दिए हैं। तो ठीक है, मेरे एक कर्मचारी से बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैं एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकता, एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकता, लेकिन अब जैसे कि आपने विधान भवन रक्षक का देखा आपका रिजल्ट, तो ये भी 2016 की वैकेंसी थी, सेम वैकेंसी आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी 2016 की है, तो मैक्सिमम कयास लगा दे, क्योंकि देखो जो ये फाइनल रिजल्ट का होता है तो वो कर्मचारियों को भी पूरी तरीके से नहीं बताया जाता, तो लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब लगभग 10 दिन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 10 दिन के अंदर इसका पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये पूरी तरीके से कमीशन पे डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे, क्योंकि आप सबका सारा रिजल्ट इस टाइम PWD डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका है, ठीक है, अब वो जारी करते हुए डिपार्टमेंट आपकी पूरी ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये थे पूरे अपडेट्स डिटेल्स को लेकर, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।